ये भी ना स्पॉन्सर किया है बी म्यूजिक प्लेयर ने, जिसके अंदर आप अपने ऑडियो को काफी कस्टमाइज कर सकते हैं और भी काफी कुछ कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी और डाउनलोड के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी हाल फिलहाल चाइना में लॉन्च हो गया है रेडमी नोट 7, जो कि इंडिया में भी जल्दी ही आने वाला है। पन रियल मी ने भी कुछ कम नहीं, पीछे नहीं रही, और रियल मी ने भी एक हिंट दे दिया है कि जल्दी ही रियल मी का 3 आने वाला है, क्योंकि माधव सर ने कह दिया था कि Q1 के अंदर रियल मी का एक स्मार्टफोन तो आएगा ही आएगा, वो 3 आएगा, रियल मी 3 प्रो आएगा या रियल मी U2 आएगा या कोई नई सीरीज़ आएगी, वो तो देखने का होगा। पर अब इन दो फ़ोन के अंदर होने वाली है टक्कर, कैसे होगी, क्या होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को पता चलने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं, मैं हर वीडियो में पेटीएम, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कूपन्स का गिव अवे करता हूं। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो वीडियो को पूरा देखिए, किधर भी कूपन आएगा आप उसको रिडीम कर सकते हैं। पेटीएम का कूपन कैसे रिडीम करना है उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो वो जाके आप जरूर चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। एक छोटा सा हमारा इंट्रो लोगो आता है, वो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ रेडमी वर्सेस रियलमी के बारे में। बात करते हैं तो अब रेडमी जो है वो एक अलग ब्रांड हो गया है, सब ब्रांड हो गया है, अब शाओमी एज अ पेरेंट कंपनी हो गई है। शाओमी के रियलमी, शाओमी का रेडमी ब्रांड है, पोको ब्रांड है, एमआई, ये सब शाओमी के अब ब्रांड बन गए हैं। अलग अलग ब्रांड की तरह ये काम करेंगे, जैसे कि ओप्पो का आप देख सकते हो, ओप्पो का रियलमी एक सब ब्रांड है था, पर अब इंडिविजुअल हो गया है, तो एक वो सब ब्रांड था, मतलब ओप्पो के अंडर ही रियलमी काम करता था, वैसे अब शाओमी के अंडर ही ये सब कंपनीज अपना काम करेगी। इंडिया में लॉन्च हुआ था कुछ 2-3 महीने ही हुआ है अपना रेडमी का नोट 6 प्रो, जो कि ठीक था, इतना खास फ़ोन था नहीं, कुछ मेजर अपग्रेड्स उसके अंदर थे नहीं एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 5 प्रो की बात करो। अब आने वाला है इंडिया के अंदर रेडमी नोट 7, जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। काफ़ी मेजर आपको अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, वाटर ड्रॉप स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है, बैक साइड फ्रंट साइड आपको ग्लास देखने को मिल रहा है, मेजर अपग्रेड नोट सीरीज़ के अंदर, मेजर अपग्रेड आपको रियलमी के, जैसे आपको रेडमी के अंदर टाइप सी देखने को मिल रहा है, तो टाइप सी एज अ फ्यूचर आपको पता है, तो टाइप सी आपको देखने को मिल रहा है, ग्लास आपको देखने को मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का ऑन पेपर कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, हैशटैग यूज़ कर सकते हो या नहीं तो एक कह सकते हो कि वो 48 मेगापिक्सल का खाली बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, क्योंकि जो कि प्रोसेसर आ रहा है स्नैपड्रैगन 660 वो 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा तो कतई सपोर्ट नहीं करता है, वो करता है मैक्स टू मैक्स 32 मेगापिक्सल का कैमरा। तो जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है उसके ऊपर मैं पूरी एक अलग वीडियो बना सकता हूँ ना, तो यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। वो जो सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का नहीं है, पर जो सेंसर के ऊपर बाइंडिंग की गई है सेंसर्स की इमेजेस की, वो करके आपको एक 48 मेगापिक्सल कैमरा जितना आपको अच्छी क्रिस्प क्वालिटी प्रोवाइड करने का शाओमी वादा कर रहा है। तो एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा, बैटरी आपको अच्छी देखने को मिल रही है 4000 एमएएच की बैटरी, क्विक चार्ज 4.0 के साथ, जबकि अभी तक आया नहीं है मार्केट में, 3.0 आ गया है, तो आप उससे क्विक चार्ज कर सकते हो 4000 एमएएच की बैटरी। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आपको देखने को मिल रहा है, कुछ कमी मेरे को देखने को नहीं मिल रही, सिवाय जो उसके अंदर हाइब्रिड स्लॉट दिया है वो एक कमी हो सकती है, अगर किसी को नहीं दो सिम यूज़ करनी तो उनके लिए कमी नहीं है, पर अगर किसी को दो सिम प्लस एसडी कार्ड यूज़ करना है तो उनके लिए कमी है। अब बात करता हूँ रियल मी की, रियल मी का भी एक नया फ़ोन आने वाला है। अब उसके अंदर रूमर्स ये है कि आगे और पीछे जैसे कि आपको नॉर्मल रियल मी का डिज़ाइन देखने को मिलता है, कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, टाइप सी आपको देखने को मिलेगा, आपको हाइब्रिड स्लॉट नहीं, आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप दो सिम प्लस एसडी कार्ड डाल सकते हो, प्लस रियल मी का जो फ़ोन होगा वो ट्रूली सपोर्ट करेगा, जो अपना जो होता है कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो ट्रू सपोर्ट करेगा, जैसे कि ये जैसे कि शाओमी कर रहा है वैसे नहीं करेगा, इमेज बाइंडिंग के थ्रू वो ट्रू 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करेगा, जो प्रोसेसर यूज़ सपोर्ट करेगा वो करेगा 675 यानी 660 से भी अच्छा। बैटरी में अगर थोड़ा बहुत रियल में सुधार ले तो अच्छा है, क्योंकि 3500 mAh की बैटरी आपको शायद तक देखने को मिल सकती है, यही रूमर्स आ रहे हैं, 15500 की बैटरी रियल मी के लिए, एस मैं अगर मेरा यूज़ करूँ बताओ रियल मी 2 प्रो के ऊपर तो मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, दिन में 2 बार तो कम से कम आपको चार्ज करना ही पड़ता है, मिनिमम यूजेज के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी, फ्रंट कैमरा आपको अच्छा 24 मेगापिक्सल का कुछ देखने को मिल सकता है, 24 या 28 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा, वही वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलेगी, पर एज़ कम्पेयर अगर मैं बात करूँ रेडमी से अच्छी स्क्रीन आपको रियलमी में देखने को मिलती है, जो वाटर ड्रॉप है और नीचे की जो चेन है वो काफ़ी पतली और छोटी आपको देखने को मिलती है, तो वो रियलमी का एक प्लस पॉइंट हो सकता है। प्लस जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा रियलमी के अंदर जो अभी नया फ़ोन आने वाला है वो होगा शायद तक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट,
शायद मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि लगता तो नहीं है आएगा, पर रूमर्स कह रहे हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलेगा। जो प्राइस रेंज चालू होगी रियलमी की वो होगी 14-15 हज़ार रुपये से। तो ये शायद एक कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि जो शाओमी का फ़ोन है वो भी मेरे ख्याल से 12-13 हज़ार रुपये से स्टार्ट होगा। चाइना के अंदर 10 हज़ार से स्टार्ट हुआ है, पर इंडिया में आते आते उसकी प्राइस या तो 11.5-12 तक चालू होगी। तो रेडमी नोट 7 आपको 11.5-12 तक मिलेगा, पर रियलमी आपको प्रोवाइड करेगा 15 हज़ार रुपये के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 675 ऐसे कुछ प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण शायद तक वो वापस कैप्चर कर सके मार्केट को। क्योंकि अब जो रियलमी 2 प्रो है और रियलमी यू 1 है, ये थोड़े थोड़े पुराने हो गए हैं फ़ोन। ये नोट 7 आ गया है, इतना अच्छा फ़ोन आपको देखने को मिल रहा है, इतने कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है, ओवरऑल पैकेज आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि नोट 7 तो अब ऑफिशियली आ गया है, इसके लिए मैं कह सकता हूँ एक अच्छा ओवरऑल आपको पैकेज देखने को मिला है। रियलमी का आया नहीं है ऑफिशियली, तो देखना पड़ेगा कब आता है क्या आता है। रेडमी नोट 7 भी इंडिया के अंदर फेब के अंदर ही आएगा, जैन के अंदर तो आने वाला नहीं है, गारंटी मैं कहता हूँ आपको, तो फेब के अंदर ही आएगा। प्लस रेडमी का नोट 7 प्रो भी आने वाला है, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा सोनी के सेंसर के साथ। तो उसके अंदर शायद आपको स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं अब रियलमी और रेडमी की दोनों की कटी टक्कर होने वाली है, देखते हैं कौन जीत जाता है, कौन बाजी मार जाता है और कौन मेरे ओप्पो रियलमी 2 प्रो को एक्सचेंज कर पाता है। यानी कि अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ओप्पो रियलमी प्रो M2, सॉरी ओप्पो रियलमी प्रो 2 यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब देखते हैं कि कौन सा, या तो मैं शाओमी का रेडमी नोट 7 लूँगा, या तो रियलमी अगर उसके पहले लेके आ जाता है कोई फ़ोन वो लूँगा। और मेजर शाओमी के फ़ोन्स के अंदर फ्लॉ होता है उनका सेल, अगर वो सेल को सुधार ले, रेडमी नोट 6 प्रो में तो हालांकि उन्होंने काफ़ी सुधारा सेल को, काफ़ी जल्दी अवेलेबल हो गया था ओपन सेल के अंदर। पर अगर रेडमी नोट 7 की, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा फ़ोन आपको देखने को मिल रहा है, तो शायद मैं रेडमी नोट 7 पे वापस स्विच कर जाऊँ, तो रियलमी से वापस MI पे आ जाऊँ। देखते हैं कौन कैसा लेके आता है, और आप बताइए आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रियलमी या रेडमी, और कितने लोग रियलमी यूज़ करते हो, कितने लोग रेडमी, ज़रा वो भी कमेंट कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले एक बात बता दूँ, हमारा गिव अवे चल रहा है रियलमी बड्स का, तो उसमें भी अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसमें भी कर लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे इसी तरीके किसी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।